बाप रे बाप, ये क्या लोड कर रहे हो भाई? रॉकेट पूरा जैसा एक ही। लंबा लंबा भाई, 6-7 टन का है एक ही। फर्ज मत तोड़ देना मेरी गाड़ी का भाई। ये देखो, 8 टन का अकेली मशीन लोड कर रहा है। आगे से गाड़ी उठेगी, देखना। देखो भाई, उठी ना आगे से। बाप रे। ओ भाई, डीजल टंकी फोड़ने को नहीं बोला है, सही करने को बोला। यार ये तो फोड़ रहे हैं, उल्टा डीजल निकाल रहे हैं फोड़ के। ऐसा नहीं होता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है देवबंद। देवबंद में हमने किला खाली किया। किला खाली करके अभी हम आए हरिद्वार। देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है और फैक्ट्री के अंदर है। हरिद्वार से हैदराबाद का लोड कर रहे हैं। क्या भाड़ा है, क्या माल है, कितना वजन आएगा, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन आप बोलोगे कि आपने केले का क्यों नहीं ब्लॉग बनाया, खाली किया वहाँ का, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने एमपी में अपना ब्लॉग समाप्त किया था। तो अगले दिन थी हमारे घर में शादी, तो मैंने सोचा कल पहुँच ही जाएंगे, शादी में अपना एंजॉय करेंगे, वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन इत्तेफाक से पार्टी वाले का फ़ोन आ गया कि भाई माल अर्जेंट है, कल खाली करना है। तो मैंने पी के भाई को बोला, मैंने, आप मेरे साथ रहते हो भाई, चले जाओ, मेरे घर में शादी है। लेकिन देखो, किसी की कोई, आज के ज़माने में किसी की कोई मजबूरी नहीं समझता। उन्होंने, वो लेके नहीं गई गाड़ी, खाली नहीं की, ठीक है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया इस वजह से बहुत ज़्यादा, तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया ना वीडियो बनाई, इतना दिमाग ख़राब था इसका, मुझे ही पता है। ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, तो चलते हैं फिर लोडिंग के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या लोड है, क्या माजरा है। तो दोस्तों ये है फैक्ट्री के अंदर का नज़ारा। ये लाल वाली गाड़ी आप जो देख रहे हैं, ये लोड होगी पहले, इसके बाद हमारी गाड़ी लोड होगी। ये देखिए, हैवी हैवी पार्ट्स बनाती है ये कंपनी, इसमें भी हैवी हैवी पार्ट्स रखे हुए हैं। तो भाई गाड़ी भाड़ी पता नहीं कब लोड होगी, लेकिन हमारी छत पे रखे हुए हैं केला टूल पे जो खाली करके आए थे। तो यहाँ पर बंदर देखो कितने घूम रहे हैं, सब बंदरों को खिला रहे हैं और ज़बरदस्ती यहाँ से लेके जा रहे हैं, देखो। तो भाई शाम के 3 बज गए, अभी हमारी लोडिंग का नंबर नहीं आया। ये लकड़ियाँ डाल दी हैं बस, इस पर ही कुछ सामान रखा जाएगा, जो भी रखा जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और सोच रहे कि आज ही निकल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कल की यहाँ पे छुट्टी है। चलो चलते हैं फिर। तो भाई ये दूसरे दिन की रात हो चुकी है और आप जाके हमारी गाड़ी पूरा लोडिंग पर एक ही, ये 6 टन का अकेला एक ही रोटर, कितने कितना वजन होगा इसमें रखा जाएगा, फिर और भी रखे जाएंगे। लेकिन हमें बताया नहीं था कि ऐसा माल है, ठोस माल है, हम आते ही नहीं भरने भाई। इसके साथ 3 रेल जैसे पहिए भी रखेंगे, अभी ये बता रहे थे। ये देखिए, 3 जैसे रख दिए ना रेल जैसे पहिए, और वो सामने जो आप लटका हुआ देख रहे हैं लाल कलर का रोटर क्रेन से, यही अकेला 8 टन का है। और मुझे लग रहा है कि ये पीछे वजन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रखते ही गाड़ी आगे से उठ जाने वाली है। देखो ये ठोस वजन है, देखना अभी गाड़ी उठेगी, देख लो कितनी गाड़ी उठ चुकी है भाई। तो अभी रात हो गई है, पेपर मिलना मुश्किल है। तो भाई आज हमें 3 दिन हो गए इस कंपनी के अंदर, सुबह हो गई है, पीछे बारिश पड़ रही है, बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। और अभी जो रात माल डलवाया था ना, वो ज्यादा पीछे वजन हो गया है, उसको फिर आगे कराने के लिए गाड़ी दोबारा खाली होगी, फिर दोबारा लोड होगी। तो दिखाते हैं फिर क्या होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों पहले गाड़ी को खाली करेंगे, फिर गाड़ी को दोबारा से लोड करेंगे। और वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया जिससे आप बोर ना हो। ये देख सकते हैं कि ये उतर चुका है भारी वाला, और इस रोटर को ना घुमा के रखेंगे जिससे इसका वजन आगे जाएगा। और जो 3 रेल के पहिए जैसे रखे थे 4, वो आगे लगा देंगे बिल्कुल, तो उससे वजन का थोड़ा ना आगे हो जाएगा और गाड़ी हमें चलाने में आसानी होगी और रोड पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनली इस तरीके का माल है और इस तरीके से लोड करिए, आगे वजन डाल दिया है और पीछे एक मशीन रख दिया, फिर जा रहा है भाई हम कांटा कराने। तो भाई कांटे पर पहुंच चुके हैं, कांटे का वजन करा के आपको बताते हैं भाड़ा। कांटा करा लिया भाई, 19.5 टन वजन आया है, 19 टन की गारंटी थी, 19.5 टन। अब एक पीस फिर उतारने आए यहाँ पे, इतने दुखी हो गए भाई साहब 3 दिन के अंदर, जिंदगी में इस कंपनी में दोबारा लोड करने नहीं आऊंगा, ठीक है, दिमाग पूरा खराब हो गया, अब एक पीस उतारो। तो भाई 2:30 बज गया और आज तो कुछ खाने को मिला नहीं हमको। ये गेट है और यहाँ से निकल रहे हैं अभी। आज पूरे 3 दिन हो गए और अभी तुरंत पेपर मिले हैं, अभी वो लेके आ रहे हैं, उधर गेट पास करा रहे हैं। बाहर जाके कुछ खाना भी है, बड़े परेशान हो गया यार इस बार तो, मजबूरी में ये माल भरा नहीं कभी आगे से, माल ये भरेंगे नहीं ना इस कंपनी में आएंगे। तो दोस्तों पेपर मिल चुके हैं अपने, अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं और यहाँ में 3 दिन हो गए पूरे, अभी भी शाम हो गई और सुबह तक पहुँचेंगे अपना आगरा। तो भाई जो हैदराबाद का अपना भाड़ा लगा था ना, वो 19 टन का लगा था अपना, 92,000 रुपये। अब इसमें आ गया 19.5 टन और 2 दिन की हल्टिंग, अब आप लगा सकते हो 19.5 टन में, तो 95-97 के आसपास हमारी गाड़ी बनी है। तो अभी यहाँ से पहुँच रहे हैं हम आगरा। आगरा में कलश का काम पिछली बार कराया था, लेकिन कलश सही काम नहीं कर रही है, तो उसको हमें दिखाना है। तो फिर मिलते हैं भाई सुबह अपने को आगरा, ठीक है। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर और यहाँ करा रहे गाड़ी में काम। काम में क्या करा रहे, कलच
हमने पिछली बार नई डलवाई थी, मैंने वीडियो में दिखाया था, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो इसको मास्टर सिलेंडर को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद होगा डीजल टंकी का काम, तो ये डीजल टंकी को फोड़ के निकालना है भाई पहले डीजल, और इसको खुलवा के ना इसको सीधा कराएंगे, क्योंकि आगे टंकी झुकी हुई है, किसी भी टाइम गिर भी सकती है, नुकसान हो सकता है। तो ये देखिए भाई झुक रही है आगे को। दोस्तों डीजल निकल चुका है पूरा, देख सकते हैं, और टंकी हमारी खुल के आ गई है नीचे। तो दोस्तों हमारी जो टंकी है ना वो 800 लीटर की है, और ये जंग खा गई थी, तो इस पे करा रहे हैं पेंट। और जब तक पेंट हो रहा है ना, जब तक हमारी मिस्त्री साहब ले गए ब्रैकेट को सीधा करने। ब्रैकेट क्या होते हैं दोस्तों, जिस पर टंकी रुकी होती है। तो हमारी टंकी आ चुकी है दोस्तों और फिट हो गई है, इसमें भर रहे हैं फिर हम डीजल। तो हमारे पीके भाई लगे पड़े डीजल भरने पर। तो दोस्तों डाले पर करा रहे हैं लाल रेडियम का काम। लाल रेडियम डाले पर जरूर होनी चाहिए, मान के चलिए 20 रुपए फुट से आपकी 5 फुट रेडियम अगर इसने लगा दी तो 100 रुपए की हो गई, लेकिन ये 5,000-10,000 जो भी है वो चलान से तो बचाएगी कम से कम। शाम के 6 बज गए, अब जाके सारा काम हुआ है। पीछे के चारों इंडिकेटर देखो, BS6 के डलवाए, मजाक नहीं देखो, BS6 के इंडिकेटर लगवाए। तो अभी जा रहे हम, रात को निकलेंगे यहाँ से 10-11 बजे। तो भाई काम ज़्यादा हो गया, थक गए आप। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। अब इससे आगे की यात्रा जो हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, तब तक के लिए पहले से राधे राधे।